वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब मुझसे शेयर करना। और दोनों ही लोगों के स्टार्टिंग में बता दूं, सर बहुत तेज दर्द कर रहे हैं, तो ऑयलिंग आप देख सकते हो, मैंने नाइट में लगाई थी और इनकी मैंने ऑयलिंग अभी की है। और इसी दर्द दर्द में मेरे पति देव ने वीडियो शूट किया है, एक वीडियो शूट किया, यस, एक प्रैंक कर दिया है मेरे ऊपर। सीरियसली मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती, मैंने सोचा भी नहीं था ये ऐसा कुछ करेंगे, अपने चैनल प्रांजल व्लॉग्स पे भी डालेंगे। वाह, मतलब सीरियस हो रहे हैं, तो मतलब कंटेंट भी मेरे ऊपर बनाना है इनको। यूट्यूबर हो बड़ी तो तुम्हारे ऊपर ही बनाएंगे, बड़े यूट्यूबर का फायदा ले रहे हैं लोग। साथ में बीवी हो साथ में बीवी, हाँ बीवी, तुम नहा लो, सुनो नहा लो, और नन्नू गई है नहाने वॉशरूम में। तो मैं अपना करती हूँ व्लॉग, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, काफी दिन के बाद कर रही हूँ, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। तो अभी क्या नाश्ता बनाने वाली हो? शक्ल से आप देख सकते हैं, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है, आप लोग भी बनाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। इनकी डिमांड पे, अपने पति देव की डिमांड पे बनाते हैं सैंडविच, और थोड़ा सा हम दोनों लोगों की हालत को इग्नोर करिएगा। यस, आप लोग मेरी फैमिली हो तो चलता है कभी कभी। टैडी नहलाना, नन्नू को एक टैडी भी नहलाना रहता है। तो चलिए फटाफट पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चटनी बना देना है और प्रैंक वीडियो जरूर देखना प्रांजल व्लॉग्स पे, मैं लिंक भी दे दूंगी, कोशिश करूंगी, अगर वैसे वो पहले ही चला जाएगा, ये व्लॉग बाद में जाएगा, तो आप लोग जरूर देखना। चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, मिलेंगे थोड़ी देर में लंच, वो लंच बोलिए ब्रेकफास्ट के बाद। आइए ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। आप ही बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे, सब हम ही करेंगे। बना दें तो थोड़ा सही रहेगा। हमने आलू छीले हैं, तुम बनाइए। आलू छील, वाह क्या काम कर दिया आपने। ये देखिए इन्होंने आलू, आलू छील दिए इन्होंने फटाफट, क्योंकि आज काम ज्यादा है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है ना वो भी नहीं आ जाएंगी, क्योंकि आज कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से पहले पेट पूजा करते हैं, बाद बाकी काम दूजा, एनर्जी लेते हैं काम करने की। तो चलिए कैमरा करते हैं सेट, ऑल सेट, बनाते हैं सैंडविच। ये पिट्टे पिट्टे बच गए। ऐसे उठाते तुम्हें और इसे दीवार में मकड़ी के लटका देते। आप समझ में आया इनको, बाल टाइट कर लूं थोड़ा। जंग की तैयारी, जंगी है जिंदगी, जंग है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, प्रांजल व्लॉग्स पे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलने, अरे थोड़ा धीमा कर लो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही कुछ सोच के रखा हुआ है जो कि अब कंटिन्यू होगा। तो आप लोग प्रांजल व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, तो वैसे तो कर ही रहोगे, आई नो आप सब अपने अपने घरों में खूब खुश होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ भगवान से, बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना, मस्ती मजाक हो जाता है तो लाइफ और अच्छी हो जाती है। तो काफी सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत कुछ सोच करके रखो, और बहुत ही प्यारे प्यारे हम हस्बैंड वाइफ मिलके आपको हंसा हंसा करके पागल करने वाले हैं, मतलब ऐसा वाला पागल नहीं, खुशी वाला पागल। सबसे पहले मैं जो ये आलू हैं इनको फोड़ लेती हूँ, बहुत ही इजी सैंडविच है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, फटाफट इसको बना सकते हो, जैसे कभी जल्दी हो रही हो, बट खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ऐसे नहीं है कि जल्दी से बन जाती है तो फिर टेस्ट थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है, एवरेज सा नहीं, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। गर्म है थोड़े से, इसको फटाफट से फोड़ लेना आलू को, अच्छे से मैश करना, जैसे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना आलू के, वो बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। और बैकग्राउंड में टीवी देख रहे हैं, नन्नू नहा रही है, तो थोड़ी बहुत अगर वॉइस आ रही तो इग्नोर करना, सॉरी उसके लिए। और मुझसे काफी लोग बोल भी रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड में नॉइज है, तो वो नॉइज ना फैन की रहती है, फैन ना चलाओ तो बहुत गर्मी लगती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जब तक एटलीस्ट आप लोगों से बात कर रही हूं तो मैं फैन ऑफ कर दिया करूं। फिर भी यार घर है तो थोड़ी बहुत नॉइज तो होगी, इधर की उधर की, बच्चे है ना, बच्चों से ही रौनक है घर की, क्यों, एक बड़े बच्चे से रौनक है, एक छोटे बच्चे से रौनक है, ये सब तो लगा ही रहता है, तो थोड़ी बहुत नॉइज को इग्नोर करा करिए, फिर भी मैं ध्यान रखूंगी। सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो ऑयल है बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ एक चम्मच, उसको गरम कर लेना है। फिर उसमें डाले हैं सरसों यानी राई, तो सरसों के दाने डाले हैं, दैट सीट, और कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, और आलू डाल देने हैं, और ऊपर से डालने हैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च पाउडर।
इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं पड़ेगा, आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा जैसे हल्के से ना भुन से जाए, थोड़ा सा इनको देर तक फ्राई कर लीजिए, 10 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट हो गए फ्राई करते करते, तो ये आलू इस तरीके से अच्छे से मैश हो गए हैं। और पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई बड़े टुकड़े ना आने हैं आलू के, एकदम पूरी तरीके से बारीक तरीके से मैश हो जाएं। तो आलू मैश हो गए हैं, अब मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उधर मेरे हस्बैंड चटनी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं इधर सैंडविच बनाने के लिए जो ब्रेड है उनके साइड्स कट कर रही हूँ। ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको साइड कट नहीं करने हैं तो आप ना करें। हम लोगों को फ़िलहाल मतलब उस तरीके से पसंद नहीं है साइड्स के साथ सैंडविच खाना। तो मैंने यहाँ पर इनके लिए चाय चढ़ा दी है, जब तक चाय बनी है तब तक मैंने आलू बीच में लगा लिए हैं ब्रेड के बीच में, और इस तरीके से देसी घी से सेक लेंगे। देसी घी से सेकने से या बटर से सेकने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल से भी सेक सकते हैं, बट मैंने क्या ना फ़िलहाल देसी घी सरसों का तेल यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो इस वजह से मैं देसी घी से इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। गैस को एकदम मीडियम स्लो तेज अपने अकॉर्डिंग करते रहना है बीच बीच में, और इस तरीके से बीच से कट कर देंगे। इनको मैंने चाय दी है और जो इन्होंने चटनी बनाई है वो दी है, टमाटर की और मूंगफली के दाने रोस्ट करके डाले हैं इसमें, इनको दे दिए। उसके बाद मैंने बेटू की सैंडविच है वो कट कर दी थी, तीन पार्ट में कट कर देती हूँ तो वो ईजिली खा लेती है नन्नू मेरी। और चाहिए? खा लो ना तुम, हम उसे दे दे हैं बेटू को अभी है। ये ले ना तुम खाओ। हां चल निकल, हम खा लियो, अब पेट भर गया पानी पीते। तुम खा, तुम जाओ, तुम पानी सेक दो, तुम बैठो जाकर आराम से। एक आराम से बैठ जाओ, बेटू को एक बेटू दे देंगे तो तैयार हो जाएगा, बेटू खा लो। जरा मैं भी जाओ, चलो हटो, लगा दिए सब में। लग तो गए तो हटो भी जाओ। फ्रेंड्स ये जो सैंडविच है एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करना अगर आपने अभी तक नहीं की है तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, बना करके देखना आप। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ फ्राई है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो हरी मिर्च कट करके डाल सकते हो, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ओवरऑल, मैं ये कहना चाहूँगी। इसमें आप कुछ ना डालें, सिर्फ इतनी ही चीज़ों से बनाएं तब भी अच्छी लगेगी। डालने को क्या है, कुछ भी डालो, कुछ भी वेजीज डाल लो, हरे धनिया, प्याज, टमाटर, मतलब कुछ भी डालो, बट वो चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने भी जो सैंडविच है वो खा ली थी और मुझे इतनी हंसी आई, देखिए सैंडविच बना कैसे रहे, एकदम चटरियाँ बटरियाँ जैसी सैंडविच बनाई, मुझे बहुत क्यूट सी लग रही थी खाने में। बस पत्तियों लोगों के काम तो निराले ही होते हैं। मैंने ना कर्टन लगा लिए हैं और इस तरीके के जो कर्टन जिससे बांधे जाते हैं वो मैं तीनों यहाँ पर बांधे थे। पहले मैं रखती थी ना, फिर उधर से निकालो रखो, तो मैंने एक ही कर्टन में कर देती हूँ, ये कॉर्नर में रहता है, इस तरीके से सही रहता है, और जब हटाने होते तब यहीं से इनको खोल लेती हूँ और तीनों में लगा देती हूँ। तो फाइनली कितना मतलब अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना, अच्छा लगता है जब इस तरीके से अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है रूम में। तो फाइनली जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है, और सीरियसली घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है। मतलब अगर एक भी दिन अगर जो वुमेन होती है वो थोड़ा सा लो फील करती है ना, तो सब कुछ चौपट हो जाता है। रियलिटी है ये घर की कि हाँ एक औरत की थोड़ा सा ध्यान ना देने के या उसके बिना घर की हालत क्या हो जाती है। तो फिलहाल आप बेडरूम की हालत देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, इस पर इतना सामान पड़ा हुआ है, और किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। वो तो एक्चुअली मैंने जानबूझ के भी रखी थी क्योंकि अभी बनाया ही था, ऊपर से ये भी किचन में जाते रहते हैं ना जब मैं लो फील करती हूँ, तो ये थोड़ा सा फैला देते हैं सामान। तो देखिए अभी जो ब्रेकफास्ट बनाया था तो किस तरीके से हालत हो गई है। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है, मतलब बहुत सारे काम हो गए हैं। डाइनिंग पे थोड़ा सा सामान आया था तो वो सैनिटाइज वगैरह सब कर रही हूँ। जान किसको प्यारी नहीं है, सभी को अपनी अपनी जान प्यारी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मतलब कोरोना का कहर इतना ज़्यादा बढ़ गया, और लिटरली इस बार तो पहले से भी ज़्यादा मुसीबत बन के आया है, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, सब लोग यही बोल रहे हैं, तो और ज़्यादा डर लग रहा है। तो पहले बीच में ये हो गया था, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए थे, वैक्सीन भी आ गई थी और ऐसे लग रहा था कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक सा हो गया है, तो थोड़ा सा टेंशन कम थी, बट अब फिर से टेंशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक स्प्रे वाला और एक वो वाला पूरा मैं रखती हूँ, और ये गए थे नीचे ब्रेकफास्ट करके, मुझे करा के गए थे नीचे बाबूजी वहीं खड़े रहिएगा, अभी अंदर बताइएगा।
बाबूजी को थोड़ा छिड़क दें। गए थे तो यहीं तक थे, पार्किंग तक ही थे, कोई वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो ये देखिए अब इनका स्नान होने वाला, ये शाही स्नान है। चरणों को आप धुल ले, धुलवा लीजिए। हाँ, चप्पल बाहर रख दो। और ये वाला जो रूम है उसमें देखिए क्या हालत हुई है, इधर कितना सामान फैल गया है, इधर कितना सामान फैल गया है। तो ये घर की हालत समेटनी है, जिसको समेटने में मुझे लगभग पूरा पूरा एक घंटा ही लग जाना है, पूरे घर और किचन को मिला करके पूरा एक घंटा लगेगा। इसको मैं घर को क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं शावर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। आप लोग यार प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखना, मुझे अच्छा लगता है आप लोग इतना केयर करते हो। तो बहुत टेंशन है यार अभी, मतलब कोरोना की फिर से बहुत टेंशन हो गई है, पता नहीं ज़िंदगी में कब तक ऐसा चलेगा। पूरी मतलब हालात इतने ख़राब हो गए, इतना एक मतलब कहते नहीं एक मतलब दिल दहलाने वाला जो सीन होता है वो मैंने देखा अचानक से। आप सभी लोगों ने आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा जो लखनऊ की वीडियो क्लिप आई थी ना, मतलब ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, सीरियसली दिल दहल गया था ये देख करके एकदम से। मतलब काफ़ी देर तक मैं सोचती रही थी उसके बारे में कि क्या हाल हो गया है। तो वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा अचानक से, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था देख करके। तो चलिए क्या कर सकते हैं, बाद बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये बीमारी ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ओवरऑल ये है। अपना प्रिकॉशंस अपने हाथ में है, अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी से रहिए, अपने लिए नहीं सही दूसरों के लिए, है ना। एक बार इंसान को लापरवाही कर देता अरे ठीक है हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर इलाज अभी है नहीं, है ना, हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, इतनी सारी मतलब चीज़ें हैं कि क्या बोलूँ। ओवरऑल बस यही है, प्रिकॉशंस रखिए अच्छे से, अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए अच्छे से, है ना। आप बहुत कीमती हो, आप मेरे लिए भी कीमती हो और अपने परिवार के लिए भी कीमती हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखना। जितना प्यार आप मुझे देते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरे परिवार का ख्याल रखते हो, उतना ही ख्याल मैं आप सबका रखती हूँ। मुझे बहुत चिंता होती है कि हाँ मेरे जो YouTube की फैमिली है वो ठीक है। चलिए फटाफट ये सारा काम निपटाती हूँ घर का, उसके बाद शार लेती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। काम का हो सकता है शूट करूँ नहीं, क्योंकि शूटिंग करने लगो ना तो बहुत टाइम लगता है और इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रही है, तो हो सकता है करूँ ना करूँ, जैसा होगा मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर भी सकती हूँ। उसके बाद मैं नहा करके सीधे आपसे मिलूँगी। आप देख सकते हैं मेरी पूरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है और केवल बर्तन रह गए। बर्तन मैं इस वजह से नहीं धुलूंगी क्योंकि अभी मुझे झाड़ू लगानी है ना, गीले हो जाएंगे बर्तन, में झाड़ू लगाने के बाद ही मतलब प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर पूरा कूड़ा पड़ा है, अगर बर्तन धुलूंगी तो सब मतलब छींचा लेतन हो जाएगी, तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं बाकी का घर है उसको भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन कर दूंगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूंगी। तो चलिए फटाफट अब घर को भी साफ कर लेते हैं। नहा लिया मैंने और थकावट हो गई, थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ गई हूँ। ये गए हुए नीचे से झंडू बाम लेने के लिए, क्योंकि शायद मेडिकल वगैरह तो खुले होंगे, आई थिंक वेटनेस ज़्यादा हो रही है। हाँ मेडिकल वगैरह तो खुले ही होंगे, तो मेरी झंडू बाम ख़त्म हो गई थी और उसके बिना मुझे मतलब गुजारा नहीं है। स्पेशली जब मुझे पता चल जाता है कि झंडू बाम ख़त्म हो गई है तब मुझे उसकी और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तो इस वजह से ये लेने चले गए, कह रहे मैं ले करके आ जाता हूँ। और उधर ही से मम्मी ने कुछ बनाया हुआ है खाना वगैरह, तो ये बोल रहे हैं कि मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं खाने जा रहा हूँ। मम्मी ने एक्चुअली कढ़ी चावल बनाया, तो इनका मन कर गया सुन के, इन्होंने मम्मी को कॉल किया क्या कर रही हो क्या नहीं, क्योंकि ना वो इधर आ सकती हैं आज, शायद सोसाइटी वाले आने नहीं देंगे, और ये तो कार से गए होंगे तो शायद इनको मेडिकल के नाम पे जाने दे, तो कह रहे मैं उधर ही से खा के आऊँगा कढ़ी चावल। तो मैंने कहा ठीक है खा के आ जाओगे तो मेरे लिए भी ले आना। तो आज का जो शायद लंच का प्रोग्राम है ना वो मम्मी की तरफ से हो जाएगा, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। बस मैं 5 मिनट बैठ लेती हूँ, बेटू बाहर कार्टून देख रही, बेटू ने बहुत ज़्यादा ज़िद की नानी क्या जाना है नानी क्या जाना है, वो इतना रो रही थी, पर हम लोगों ने उसे कैसे संभाला है हम ही जानते हैं। अभी पता चले कोई टोक दे गार्ड वगैरह, अच्छा नहीं लगता है ना, कि नहीं बच्चे तो वैसे भी आज अलाउ नहीं होंगे। बस यही है। और अभी पता है क्या हुआ, बाथरूम में लिटरली मतलब
पहली बार पूरी ज़िंदगी में इतना भयानक वाला पानी मेरे नाक में गया है ना, सीरियसली जो अच्छा वाला पैनिक अटैक होता है ना वो मुझे बाथरूम में आ गया। मैंने एकदम हाथ ऐसे दीवार में पीटने लगी, एक सेकंड के लिए सब कुछ हो गया, सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई। पता नहीं क्या, अच्छे खासे में नहा रही थी, शैम्पू लगाया हैंड शावर से और पता नहीं क्या हुआ, मेरी खुद समझ में नहीं आया, शावर तो ऊपर ही मैंने रखा हुआ था, ऐसे करके पता नहीं क्या हुआ, शावर स्लिप हो गया हाथ, मतलब ध्यान चला गया या पता नहीं क्या हुआ, कुछ मतलब होता है ना अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, एक सेकंड के अंदर आपको पता भी नहीं चलता है कैसे क्या हो गया। तो पूरा पानी इस तरफ वाली नाक में, मतलब एक तरफ, इधर तो कुछ भी नहीं है और अभी भी मेरे, आप ये समझ लो इतनी भयानक वाला पानी गया कि अभी भी मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ तक दर्द हो रहा है, इस तरफ से जो पानी गया ना वो यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे सांस नहीं आई, ऐसे लगा सीरियसली कि मैं मरी जाऊँगी आज बाथरूम के अंदर ही, मुझे इतनी तेज़ वाली घबराहट हो गई, पैनिक अटैक आ गया और एक तरफ नाक में अभी भी आप समझ लो दर्द हो रहा है, इतनी तेज़ मतलब यहाँ तक पूरा पानी गया है ऊपर तक, बिना कोरोना के ही कोरोना टेस्ट हो गया मेरा कोरोना टेस्ट करते हैं ना नाक में डाल करके, तो मेरे बिना कोरोना टेस्ट के मैंने एक्सपीरियंस ले लिया कैसा लगता होगा। सीरियसली पानी इतनी जोर के लगा है ना, ऐसे कभी कभी मतलब आपके साथ क्या सिचुएशन आ जाती है, एकदम ऐसे लगता है कि ज़िंदगी और मौत वाली बात हो गई है, मुझे सांस नहीं आ रही थी सीरियसली। बाद में पता चला कि एक ही तरफ गया, उस टाइम तो लग रहा था दोनों नाक में पानी भर गया बुरी तरीके से, सांस नहीं आ रही है, बट अब मेरे दर्द सिर्फ इस तरफ हो रहा है, तो आई थिंक इसी तरफ पानी गया होगा या कम गया होगा या ज़्यादा गया होगा, जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, इतनी ज़्यादा मैं डर गई, एक तो इतने दिन से बीमार, पता नहीं क्या हो रहा है, इतने दिन से बीमार, ऊपर से बाथरूम में ये इंसिडेंट हो गया, नहाते नहाते मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बाय गॉड मैं बोल रही हूँ पानी गया था नाक में और मेरी इतनी भयानक वाली घबराहट हो गई थी कि आप जान नहीं सकते हो। एक सेकंड के लिए लगा कि मर गई आज तो नहीं बचूंगी। एक तो जब बाथरूम बंद होता है ना तो चारों तरफ से एकदम पैनिक अटैक सा कि हाय मैं मरी जाऊंगी, इसी में बंद हो जाऊंगी, मर, पता नहीं क्या क्या मतलब पूरे ख्यालात, एकदम दुनिया भर के ख्याल मेरे मन में इतनी ही देर में घूम गए। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीरियसली आफत हो गई थी। तो चलिए अभी मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पे काम है वो करूँगी, खाने की तो टेंशन मेरी ख़त्म हो गई, वैसे भी सैंडविच बहुत हैवी हो गई थी, अभी तो भूख नाम की चीज़ ही नहीं लग रही है कि भूख भी लग रही है कुछ, जब भूख लगेगी तब देखा जाएगा। और पूरे घर का काम हो गया, इतना सुकून मिल रहा है सच में, बहुत आज वो हो गई है, और थोड़ा सा जैसे ऐसे अच्छे से रहो ना तो मन में वो लगता है कि हाँ तबीयत ख़राब भी होती ना तब भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। दो तीन दिन से मैं कुछ भी केयर नहीं कर रही थी ना, मतलब लिपस्टिक लगा रही थी ना कुछ काजल लगा रही थी, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, मन ही नहीं कर रही थी, बस तबीयत ख़राब एकदम बहुत ही ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। एज सच पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मुझे एग्जैक्टली तो कुछ वो था नहीं कि हाँ ये बीमारी वो बीमारी, बट लो फील बहुत ज़्यादा मैं कर रही थी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, मतलब लिटरली मैं बेड से उठती थी, खड़ी होती थी और फिर लेट जाती थी, इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी पता नहीं क्यों। बट धीरे धीरे टच वुड अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ, इसी वजह से व्लॉग नहीं आया। एक कमेंट आया फिर 15 दिन के लिए गायब हो जाओगे, यार गायब होने का शौक नहीं है, कुछ मजबूरी हो जाती है ना इस वजह से, और यूट्यूब मेरा पैशन है, आपको भी पता है ये बात कि हम लोगों की अर्निंग होती है यूट्यूब से, अगर एक भी दिन नहीं डालते तो अर्निंग का भी लॉस होता है। आती हूँ आप लोगों के प्यार की खातिर, तो प्लीज़ ऐसे मत बोला करिए, मुझे भी अच्छा लगता है, किसको अपना नुकसान वो होगा कि हाँ वो अपना नुकसान करना चाहेगा, किसी को नहीं होगा ना, तो आपसे ज़्यादा मुझे वो रहती है, बट फिर भी एक पैशन अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ की हवस होना एक अलग चीज़ हो जाती है, तो मेरे अंदर किसी चीज़ की हवस नहीं है बुरी तरीके से, तो बस यही है। बट फिर भी आप लोगों के प्यार की खातिर मैं कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ, तो बट तबीयत ख़राब है फिर भी करना है, कैसे भी करना है वो भी करना है, तो वो चीज़ थोड़ा सा जब मैं बेड से ही नहीं उठ पा रही थी तो मैं क्या करती, हो जाता है कभी कभी। आई रियली होप आप सब समझेंगे, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो मुझे पता है, समझेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड ही कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया मुझे ऐसे लग रहा है, और मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, प्रांजल वॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर अब आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं, आई प्रॉमिस। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, इन्होंने वीडियो एडिट करके रखा है, देखें उसको अप्रूव करते हैं, थोड़ा सा उसमें अभी एक एक्सपर्ट नहीं है ना तो उसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे, आज नहीं तो कल मंडे को तो चला ही जाएगा उनका वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।